छोटी बीमारियों के लिए गांव गांव में 1.5 लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए हैं। 1.5 लाख से ज्यादा 10 साल पहले देश में करीब करीब 380-390 मेडिकल कॉलेज थे, आज 706 मेडिकल कॉलेज है। 10 साल पहले MBBS की सीटें लगभग 50,000 थी, आज 1 लाख से अधिक है। 10 साल पहले मेडिकल की पोस्ट ग्रेजुएट सीटें करीब 30,000 थी, आज 70,000 से अधिक है। आने वाले कुछ वर्षों में भारत में जितने युवा डॉक्टर बनने जा रहे हैं उतने आजादी के बाद 70 साल में भी नहीं बने। आज देश में 64,000 करोड़ रुपए का आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन चल रहा है। आज भी यहां अनेक मेडिकल कॉलेज, टीबी के इलाज से जुड़े अस्पताल और रिसर्च सेंटर, पीजीआई के सैटेलाइट सेंटर, क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। आज ईएसआईसी के दर्जन अस्पताल भी राज्यों को मिले हैं। साथियों, हमारी सरकार की प्राथमिकता बीमारी से बचाव और बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ाने की भी है। हमने पोषण पर बल दिया है, योग आयुष और स्वच्छता पर बल दिया है ताकि बीमारी से बचाव हो। हमने पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति और आधुनिक चिकित्सा दोनों को बढ़ावा दिया है। आज ही महाराष्ट्र और हरियाणा में योग और नेचुरोपैथी से जुड़े 2 बड़े अस्पताल और रिसर्च सेंटर का भी उद्घाटन हुआ है। यहां गुजरात में ही पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से जुड़ा WHO का वैश्विक सेंटर भी बन रहा है। साथियों, हमारी सरकार का यह निरंतर प्रयास है कि गरीब हो या मध्यम वर्ग, उसको बेहतर इलाज भी मिले और उसकी बचत भी हो। आयुष्मान भारत योजना की वजह से गरीबों के 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होने से बचे हैं। जन औषधि केंद्रों में 80% डिस्काउंट पर दवा मिलने से गरीबों और मध्यम वर्ग के 30,000 करोड़ रुपए खर्च होने से बचे हैं। यानी सरकार ने जीवन तो बचाया, इतना बोझ भी गरीब और मिडिल क्लास पर पड़ने से बचाया है। उज्ज्वला योजना से भी गरीब परिवारों को 70,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हो चुकी है। हमारी सरकार ने जो डेटा सस्ता किया है उसकी वजह से हर मोबाइल इस्तेमाल करने वाले के करीब करीब 4,000 रुपये हर महीने बच रहे हैं। टैक्स से जुड़े जो रिफॉर्म्स हुए उसके कारण भी टैक्स पेयर को लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। साथियों, अब हमारी सरकार एक और ऐसी योजना लेकर आई है जिससे आने वाले वर्षों में अनेक परिवारों की बचत और बढ़ेगी। हम बिजली का बिल 0 करने में जुटे हैं और बिजली से परिवारों को कमाई का भी इंतजाम कर रहे हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से
हम देश के लोगों की बचत भी कराएंगे और कमाई भी कराएंगे। इस योजना से जुड़ने वाले लोगों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी और बाकी बिजली सरकार खरीदेगी, आपको पैसे देगी। साथियों, एक तरफ हम हर परिवार को सौर ऊर्जा का उत्पादक बना रहे हैं, तो वहीं सूर्य और पवन ऊर्जा के बड़े प्लांट भी लगा रहे हैं। आज ही कच्छ में 2 बड़े सोलर प्रोजेक्ट और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। इससे रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन में गुजरात की क्षमता का और विस्तार होगा। साथियों, हमारा राजकोट उद्यमियों का, श्रमिकों, कारीगरों का शहर है। ये वो साथी है जो आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इनमें से अनेक साथी हैं जिन्हें पहली बार मोदी ने पूछा है, मोदी ने पूजा है। हमारे विश्वकर्मा साथियों के लिए देश के इतिहास में पहली बार एक राष्ट्रव्यापी योजना बनी है। 13,000 करोड़ रुपए की पीएम विश्वकर्मा योजना से अभी तक लाखों लोग जुड़ चुके हैं। इसके तहत उन्हें अपने हुनर को निखारने और अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है। इस योजना की मदद से गुजरात में 20,000 से ज्यादा लोगों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। इनमें से प्रत्येक विश्वकर्मा लाभार्थी को 15,000 रुपए तक की मदद भी मिल चुकी है। साथियों, आप तो जानते हैं हमारे राजकोट में अपना त्या सोनियों काम कितलू मोटू। राजकोट में आ विश्वकर्मा योजना नो लाभ थे हमने। साथियों, हमारे लाखों रेडी ठेले वाले साथियों के लिए पहली बार पीएम स्वनिधि योजना बनी है। अभी तक इस योजना के तहत लगभग 10,000 करोड़ रुपए की मदद इन साथियों को दी जा चुकी है। यहां गुजरात में भी रेडी पटरी ठेले वाले भाइयों को करीब 800 करोड़ रुपए की मदद मिली है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिन रेहड़ी पटरी वालों को पहले धुत्कार दिया जाता था, उन्हें भाजपा किस तरह सम्मानित कर रही है। यहां राजकोट में भी पीएम स्वनिधि योजना के तहत 30,000 से ज्यादा लोन दिए गए हैं। साथियों, जब हमारे ये साथी सशक्त होते हैं तो विकसित भारत का मिशन सशक्त होता है। जब मोदी भारत को तीसरे नंबर की आर्थिक महाशक्ति बनाने की गारंटी देता है, तो उसका लक्ष्य ही सबका आरोग्य और सबकी समृद्धि है। आज ये जो प्रोजेक्ट देश को मिले हैं, ये हमारे संकल्प को पूरा करेंगे। इसी कामना के साथ आपने जो भव्य स्वागत किया एयरपोर्ट से यहां तक आने पूरे रास्ते पर, और यहां भी बीच में आकर के आपके दर्शन करने का अवसर मिला, पुराने कई साथियों के चेहरे आज बहुत सालों के बाद देखे, सबको नमस्ते किया, प्रणाम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बीजेपी के राजकोट के साथियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम करने के लिए, और फिर एक बार इन सारे विकास कामों के लिए और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए हम सब मिलजुल करके आगे बढ़ें। आप सबको बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके इन आशीर्वचनों के लिए, आपके बहुमूल्य मार्गदर्शन